दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनानी यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि Vivo Y1807 यानी Vivo Y95 जो क्वालकॉम आईसी है और वो आपका UMT में सपोर्ट नहीं है और ओनली MRT में सपोर्ट है और उसके बाद आपका जो है मेरिकल थंडर में सपोर्ट है। ठीक है, तो ये मोबाइल जो है आप मेरिकल में कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप MRT डोंगल में कर सकते हैं, लेकिन MRT डोंगल के मेन सेटअप में आप नहीं कर सकते। इसके लिए अलग से एक टूल आता है MRT में Vivo Y9395 का, उस टूल के माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इस मोबाइल को अनलॉक करके मेरिकल बॉक्स में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल को मेरिकल बॉक्स में भी अनलॉक करने के बाद भी जो है इस मोबाइल में हैंग ऑन लोगो पे मोबाइल अटक जाता है, यानी मोबाइल जो है आपका लोगो पे अटक जाएगा अनलॉक करने के बाद। ठीक है, उसमें भी आपको मैं तरीका बताऊंगा कि किस तरह से मोबाइल को आप फिर वापस ऑन कर सकते हैं बिना फ्लैश फाइल की मदद से, और मोबाइल का FRP और पिन पैटर्न को भी आप रिमूव कर सकते हैं। सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस मोबाइल को आपको जो है ओपन करना होगा, इसका ढक्कन मैंने ओपन कर दिया है, और उसके बाद इसका बैटरी रिमूव करना होगा। इसमें फिंगरप्रिंट का एक पत्ता होता है, उसे भी मैंने रिमूव कर दिया है। और इस मोबाइल के अंदर में यहाँ पे फिंगरप्रिंट पत्ते के जो जस्ट सॉकेट के बगल में दो टेस्टिंग पॉइंट है इसमें दिया हुआ। ठीक है, तो टेस्टिंग पॉइंट को आपको शॉर्ट करना है चिमटी से, सेम टाइम आपको दोनों को जो है दोनों पॉइंट को आपको टच करके रखना है। उसके बाद डाटा केबल आपको लगाना है। ठीक है, अगर आपके पास नॉर्मल डाटा केबल है तो नॉर्मल डाटा केबल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पहले आपको टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट करना है और बैटरी कनेक्टर को आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, और जैसे टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट करके रखेंगे उसके बाद केबल लगाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में जो है EDL पोर्ट जो है वो आ जाएगा, शो करेगा QD लोडर 9008 पोर्ट शो करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम आपको आगे दिखाएंगे मेरिकल बॉक्स में कि किस तरह से आपको इसका पिन पैटर्न और FRP आपको रिमूव करना है। और मेरिकल बॉक्स में 100% सपोर्ट है, क्योंकि इस मोबाइल को मैंने पहले जो है टेस्ट कर लिया था पूरी तरह से, उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, तो चलिए अब मेरिकल टूल को हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आपको इसका पिन और पैटर्न जो है और गूगल अकाउंट को आपको रिमूव करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपको मोबाइल को जो है आपको उसका ढक्कन रिमूव करना होगा, उसके बाद उसका जो है आपको क्या कहते हैं फिंगरप्रिंट का जो पत्ता है उसे रिमूव करना है। उसके बाद फिंगरप्रिंट पत्ते के जस्ट साइड में जो है लेफ्ट साइड में उसमें दो टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ, जैसे मैंने आपको दिखाया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया तो उसी तरह से आपको टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट करना है, पहले बैटरी रिमूव कर देना है मोबाइल का, उसके बाद जैसे केबल लगाएंगे डाटा केबल तो EDL पोर्ट जो है आपका QD लोडर 9008 पोर्ट शो करेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे डिवाइस मेजर में जो है QD लोडर 9008 पोर्ट शो कर रहा है। उसके बाद क्वालकॉम टूल को आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पोर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको Vivo सिलेक्ट करना है, कंपनी ब्रांड आपको सिलेक्ट करना है Vivo का, उसके बाद यहाँ पे आपको मॉडल नंबर सिलेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका मॉडल नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं कि वी जो 1807 है ये आपका Vivo Y95 वाले बूट में जो है सपोर्ट करेगा। Vivo Y95 ही है ये। ठीक है, लेकिन ये क्वालकॉम IC है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे Vivo Y95 सेलेक्ट करना होगा। तो Vivo Y95 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं आपको बता दूं अगर आपके मोबाइल में पिन है या पैटर्न है, ठीक है, तो पिन पैटर्न को अगर आपको रिमूव करना है तो रीड फ्लैश फॉर्मेट ऑप्शन में यहाँ पे आपको फैक्ट्री रिसेट करना होगा। ठीक है, अगर पिन पैटर्न लॉक अगर लगा हुआ है तो पहले आपको यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट करना होगा। फैक्ट्री रिसेट करने के बाद ठीक है पिन पैटर्न आपका जो है हट जाएगा, लेकिन मोबाइल हैंग ऑन लोगों पे रहेगा, तो आपको हार्ड रिसेट करना होगा मोबाइल को, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कैसे करना है आपको। तो अभी हमें फिलहाल जो यहाँ पे गूगल अकाउंट को रिमूव करना है तो मैंने एक्स्ट्रा पे यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद रिमूव अकाउंट लॉग पे मैंने चेक लगाया, एक्स्ट्रा बटन पे मैंने क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इसका जो है गूगल अकाउंट जो है सक्सेसफुली जो है यहाँ पे रिमूव हो चुका है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो है गूगल अकाउंट रिमूव हो चुका है लेकिन इसमें आपका मोबाइल जो है लोगों पे अटक जाएगा। ठीक, कम्प्लीटली ऑन नहीं होगा। इसका एक ही रास्ता है, आप फ्लैश फाइल से फ्लैश कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको इस मोबाइल को फ्लैश नहीं करना होगा। ठीक है, बिना फ्लैश के ही आप इस मोबाइल को जो कम्प्लीटली ऑन कर सकते हो। तो चलिए अब दिखाते हैं हम आपको मोबाइल में करके कि कैसे आपको करना है। तो डाटा केबल हम निकालेंगे यहाँ से और पहले हम आपको मोबाइल ऑन करके दिखाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इसे टेस्ट कर लिया था, मोबाइल जो है लोगों पे अटक गया था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसे जो है उसे सही किया, उसके बाद फिर मैंने दोबारा जो है इसका वीडियो बनाया। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। आप देखते हो जैसे आप ऑन करोगे तो मान के चलिए आप इस मोबाइल को ऑन किए हैं गूगल अकाउंट या पिन पैटर्न रिमूव करने के बाद, तो ये मोबाइल आपका कम्प्लीटली ऑन नहीं होगा। ठीक है, आप घंटा अगर 2 घंटा भी छोड़ देंगे मोबाइल को तो ये मोबाइल कम्प्लीटली आपका ऑन नहीं होगा, Vivo पे ही रुका हुआ रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको करना क्या है, करना ये है आपको
कि बैटरी कनेक्टर निकाल के बैटरी कनेक्टर लगा देना है, उसके बाद मोबाइल को आपको लेके जाना है रिकवरी मोड में, ठीक है। रिकवरी मोड कैसे लेके जाना है, वॉल्यूम प्लस और पावर की दोनों दबाएंगे, एक साथ प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है रिकवरी मोड आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिकवरी मोड आ चुका है नीचे, तो रिकवरी मोड पे आपको लेकर के जाना है वॉल्यूम डाउन से, उसके बाद वॉल्यूम पावर की आपको प्रेस करना है, ये रिकवरी मोड में जाएगा ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल। उसके बाद यहाँ पे जो वाइब डाटा का ऑप्शन है इसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाइब डाटा पे क्लिक मारेंगे यहाँ पे, लेकिन ये जो है फेल हो जाएगा कम्प्लीटली, ये फॉर्मेट यहाँ से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से बैक जा सकते हैं, बैक जा करके आप यहाँ पे रिसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक मार करके इसे रिसेट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली जो रिसेट हो चुका है। अब आपको मोबाइल को जो है ऑफ करना होगा, ऑफ हो गया मोबाइल, अब इसे हम दोबारा ऑन करेंगे, ये मोबाइल कम्प्लीटली ऑन होगा। चलिए दोबारा ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो मोबाइल जो कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, और इस मोबाइल के अंदर में पहले से ही गूगल अकाउंट था, इसे मैंने जो है मेडिकल बॉक्स से इसे रिमूव किया, लेकिन मोबाइल जो है लोगों पे अटक गया था, ऐसे मैंने फिर से दोबारा हार्ड रिसेट किया, उसके बाद ये मोबाइल कम्प्लीटली अभी ऑन है, ठीक है। चलिए इसका सेटअप करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं सक्सेसफुली जो मोबाइल जो है मेडिकल बॉक्स से इसका गूगल अकाउंट जो है यहां से हट चुका है और ये मोबाइल अनलॉक हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।